नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, और मेरे चैनल माइंड हीलिंग स्टेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मानसिक समस्या से जुड़ी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो उन्हीं सवालों में से एक सवाल लेके मैं फिर आई हूँ। आज का सवाल बहुत ही कॉमन है और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ सोचा कि आज इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो चलिए पहले इस सवाल को देखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम, रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं अपने पास्ट की वजह से काफी परेशान रहता हूँ, अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा, और बार बार फोन चेक करना और अपनी एक्स की प्रोफाइल को स्टॉक करना अब आदत सी बन गई है, पूरे दिन मूड ऑफ रहता है और किसी से बात करने का मन नहीं करता। आई डोंट नो हाउ टू फेस दिस सिचुएशन, प्लीज हेल्प मी। और आप विश्वास नहीं करोगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, हम अपने पास से नहीं निकल पा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, हमें रात को नींद नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सिचुएशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड रिलेशनशिप डिफिकल्टीज की वजह से ही हो रही है। लोग रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते और खुद को हार्म करना, खुद को ब्लेम करना, साथ ही दूसरों को हार्म पहुंचाना बहुत कॉमन हो गया है। आज के सोसाइटी में जितने क्राइम हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं कि लोग रिजेक्शंस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो चलिए आपके सवाल के मैं जवाब देती हूँ कि आपका जो अभी स्टेज है वो डिनाइल स्टेज में है, यानी अभी जो आपके साथ जो फीलिंग्स आ रही है आपको वो डिनाइल फीलिंग है, यानी कि आप अपने ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेकअप के 5 स्टेजेस होते हैं, डिनाइल, एग्रेशन, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। अगर आप भी इस समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप खुद सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आप अभी कौन से स्टेज में हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं सारे स्टेजेस के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। समटाइम्स देखा गया है कि जिस पार्टनर के साथ ब्रेकअप होता है या डिवोर्स होता है उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो खुद से दिन भर सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये डिजर्व नहीं करता था, सब कुछ तो सही था, उसने ऐसा क्यों किया। और बार बार इस थिंकिंग की वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेस रहते हैं या नींद नहीं आती है। पर सच्चाई ये है कि जिन सवालों के पीछे आप भाग रहे हो उसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा और ना ही किसी को मिला है। पर सच्चाई ये है कि जिन सवालों के जवाब नहीं होते उन्हें हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और इस समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एंड द फैक्ट इज कि जो चीज आपके लिए सही नहीं होता यूनिवर्स कुछ ना कुछ करके आपको उससे अलग कर ही देता है। जो चीज आपको आज समझ नहीं आएगी लेकिन एक दिन जरूर समझ आने वाली है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने इस वाक्य को काफी खूबसूरती से समझाया है कि जो हो गया अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। इसीलिए एक ही इंसान के बारे में, एक ही सिचुएशन के बारे में सोचना बंद कीजिए और खुद पे फोकस कीजिए। और किसी ऐसे इंसान से अपनी समस्या डिस्कस कीजिए जो आपको सोल्यूशन दे सके, जो आपको सुने, या अपने नजदीकी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात कीजिए। अगर आप भी इसी समस्या से सफर कर रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।